मेरा सवाल यह है, क्या जाति का कॉलम शुरू से बरसों से चला आता रहा है या फिर नहीं आता रहा है? इसका जवाब हां या ना? नहीं, जाति का देखिए, जाति का जहां भी सर्टिफिकेट वहां पर आरक्षण है। क्या सेना में आरक्षण है? केवल ये कहना कि अंत्येष्टि को, अंत्येष्टि के समय में सेना में जाति का कॉलम होता था या नहीं होता था, ये सवाल मेरा था। आपके पास जवाब नहीं है लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया जी, सीधे आपके पास आते हुए मैं चाहूंगी नवल किशोर जैसे तमाम ऐसे लोग जिनके भीतर इस सवाल को लेकर शंका है, सर आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्या पहले से इस तरह का कॉलम होता था या फिर नहीं होता था, या फिर मोदी सरकार कुछ नया लेकर आ गई है जिसको लेकर इतना विरोध हो रहा है? विनोद भाटिया जी, फौज की भर्ती में जो प्रोसीजर है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जहां पर जाति का कॉलम है पहले भी था, धर्म का कॉलम पहले भी था, आज भी है, उसमें कोई बदली नहीं है किसी प्रकार का। मैं यहाँ पे विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं भर्ती ऑफिस में काम कर चुका हूँ, इसमें कोई बदली नहीं है। फौज का जो भर्ती का प्रोसीजर है, प्रोसेस जी सर, तो वही है, उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। मेरी आपसे एक ही विनती है कि फौज को सियासत में मत डाले, पॉलिटिक्स मत खेले फौज के साथ, ये बिल्कुल गलत है। कब से ये चला आ रहा है? क्या 1857 में अंग्रेजों की ओर से वर्गीकृत किया गया था, देश के भीतर ही बाट फूट डालो और राज करो की जो नीति थी, क्या तभी से जाति और धर्म के आधार पर भर्ती होती रही है और उसको बहुत ज्यादा आज के दौर में भी परिवर्तित नहीं किया गया है? इसमें कई कारण है, हम करते हैं, बहुत सालों से चला आ रहा है ये, इसमें कोई नई बात नहीं है। जैसे जब मैं लड़ाई में जाता हूँ, कोई भी जवान जाता है, हमारे फौजी जाता है, तो उसे गले में एक डॉकेट होता है, उसमें उसका नाम, नंबर और धर्म लिखा होता है। क्यों? क्योंकि जब वो युद्ध में मारा जाता है तो उसको वहां पर ज्यादा दफनाया जाएगा, जैसे क्रीमेट करा जाएगा, उसके धर्म के हिसाब से उसको लास्ट, उसको ऑनर दिया जाएगा, लास्ट राइट दी जाएगी उसकी, तो उसके जो मॉर्टल रिमेन्स उसी तरह से लाते हैं हम। तो हर एक चीज का एक तरीका है, एक जो बना हुआ तरतीब बनी हुई है उसको मत तोड़े आप, इसमें कोई भी नया नहीं है। ये तो धर्म की बात हो गई, फिर जाति को कॉलम क्यों है उसमें? जाति का कॉलम इसलिए है कि हमारी जो रेजिमेंट्स हैं उसमें कास्ट और रीजन बेस्ड भी है उसमें। तो जरूरी बात जो भर्ती होती है, हम नहीं चाहते कि एक ही कास्ट के ज्यादा हो या एक कास्ट का हो, ये पहले से चला रहा है और सेंसस में भी हर डॉक्यूमेंटेशन में किया जा रहा है। ये जो फौज में है, एक बार ये सिपाही बन जाता है, उसमें कभी धर्म में कोई भेदभाव नहीं होता है, जाति में कोई भेदभाव नहीं होता है, ना कोई आरक्षण है इसमें, ना हम उसको कोई ट्रीटमेंट अलग से देते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ पूजा करते हैं, एक साथ हर काम करते हैं, एक साथ लड़ाई लड़ते हैं, एक साथ रहते हैं हम, हमारे कोई भेदभाव नहीं होता किसी प्रकार का। एक यूनिटी डाइवर्सिटी जिसको कहते हैं, जो इंडिया में है, भारत में है, वो पूरी फौज में आपको दिखेगी आके। तो हम उसको तोड़ो मत, जो चल रहा है उस सिस्टम को अच्छी तरह से चलने दीजिए, उसमें आप बिल्कुल पॉलिटिक्स मत करिए, इसमें कोई चीज नई नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपकी फौज जो है, देश की फौज है, आपकी फौज है, और बिल्कुल सक्षम फौज है, ये इफेक्टिव फौज है, ऐसी ही रहेगी, ऐसी ही रहनी चाहिए। सर ये बहुत बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है और यकीनन जो सच है वो देश के सामने आना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर जिस तरह की सियासत हो रही है इस देश के भीतर वो दुर्भाग्यपूर्ण है। फूट डालो और राज करो, ये काम अखिलेश जी अंग्रेज करते थे, मौजूदा वक्त में भी ये स्थिति क्यों बनी हुई है, वो भी सेना के नाम पर? देखिए, ये जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों लोगों का काम है झूठ बोलना और अफवाह फैलाना और लोगों को गुमराह करना। वो अपना ये काम कर रहे हैं, और अफवाह फैलाने में सबसे तेज कौन है ये दुनिया को, हिंदुस्तान को पता है। कांग्रेस पार्टी और देश की आपत्ति सिर्फ जो नई स्कीम आई है, अग्निपथ स्कीम है, ये नाम में सारा सार छुपा हुआ है। फौज नहीं है ये, हमारे देश के नौजवानों की लालसा, मनसा और एक रूपता दिन रात फौजी बनने की होती है, अग्निवीर बनने की नहीं। और यही विरोध है पूरे देश में कि आप फौज की भर्ती चालू करो, आप कई साल से फौज की भर्ती रोके हो, लोग फौजी बनना चाहते हैं। जैसे वीआरएस स्कीम है, मनरेगा स्कीम है, मिड डे मील स्कीम है, इसी तरह अग्निपथ स्कीम आपने खुद लिखा है, तो नाम में सार छुपा हुआ है ना, उसको रिटायर 21,000 रुपए पहले साल से मिलेंगे। ये तो जो कर रहा है उनसे पूछिए। पूरे देश की और हम कांग्रेस पार्टी की विरोध इस बात का है कि फौज की भर्ती करो, आप फौजी बनाओ, अग्निवीर मत बनाओ, अग्निवीर बनने में नहीं लोग इंटरेस्टेड हैं। सेना शब्द से लगाव है, हम लोग के आपके सबके हिंदुस्तानी को रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सब लोग नौकरी करते हैं, लेकिन जब सैनिक गुजरता है ना तो अपने आप सबके हाथ
सलूट करने उतारू हो जाते हैं। इस देश का जज्बा है सेना के प्रति, जो नौकरी तो बहुत लोग करते हैं लेकिन वो सम्मान, वो इज्जत पूरी जिंदगी जब वो रिटायर होके भी आता है तो उसको लोग कहते हैं फौजी। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच बात सही है। वो जो बोलता है गांव के लोग कहते हैं, गांव के लोग बोलते हैं यहाँ ये फौजी जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं क्या आप ये कह रहे हैं? लेकिन अग्निवीर में वो भाव नहीं है, लेकिन चित्रा जी अग्निवीर में वो भाव नहीं है, ठीक है। इसीलिए लोग आपके सहयोगी आरजेडी क्या उसने भी भ्रम फैलाने की कोशिश की है अखिलेश जी जाति के नाम पर? किसने क्या वो तो आप करते की कोशिश की है, मैंने आपसे कहा ये सब लोग दिख रहा है कौन क्या कर रहा है। हमारा सिर्फ कंसर्न ये है कि सेना की भर्ती चालू करो आप, ठीक है। नौजवान सेना के लिए तैयारी करता है, सुबह से रात तक दौड़ता है, ठीक है। किसी गांव में चले जाइए, एक तहसील में, मेरे विधानसभा में, यानी कि आपकी बातों से लगा कि कम से कम जाति को लेकर जो व्यवस्था रही है कांग्रेस पार्टी उसका सम्मान करती है, लेकिन स्कीम को लेकर आप लोगों की आपत्ति है। माधव आनंद जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन अखिलेश जी के सवालों पर शहजाद जवाब देना चाहते हैं। ये तो बात अच्छी, स्कीम से दिक्कत है उनको नहीं। मुझे बहुत खुशी है कि आज कांग्रेस सेना के सम्मान की बात कर रही है, वही कांग्रेस जिसने एक बार कहा था सड़क का गुंडा है जनरल रावत जी को, उसको आज भी निकाला नहीं है पार्टी से। ये पार्टी वो है जिसने ओआरओपी को 42 वर्ष, को 50 वर्ष, सीडीएस को 10 वर्ष रोक कर लगा, बुलेट प्रूफ जैकेट 9 साल नहीं खरीदे, रफाल को भी रोकने की कोशिश की। तो ये लोग जब आज आर्म फोर्सेस की बात करते हैं अच्छा लगता है, परंतु मैं इनसे इतना ही कहूंगा कि कारगिल रिव्यू कमेटी को जाकर पढ़ लीजिए, वही चीजों को लागू किया गया है, जो आप नहीं कर पाए वही किया गया है। और आपके मनीष तिवारी साहब है, उन्होंने तो लेख भी लिखा है, माई टेक डिफेंस रिक्रूटमेंट रिफॉर्म इज इन लार्जर नेशनल इंटरेस्ट, अग्निपथ इस पार्ट ऑफ दैट लार्जर प्रोसेस, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। जरा उनको भी पढ़ना ही चाहिए ये आर्टिकल, और सबको पढ़ना चाहिए। आज 7.5 लाख लोगों ने एप्लीकेशन दिए हैं इंडियन एयरफोर्स ने जब रिक्रूटमेंट अग्निवीर की, वो क्या 7.5 लाख जो युवा है क्या आप उनको एक तरीके से अपमानित नहीं कर रहे हैं? क्या वो देश की सेवा के लिए दीन नहीं होंगे? और आखिरी बात माननीय सांसद जी बैठे हैं, माननीय सांसद जी ने तीनों सेना बल के प्रमुखों का नाम नहीं बता पाए, उन्होंने कई सारी बातें रखी। मैं उनसे विशेष आग्रह करता हूं माननीय सांसद जी से, क्योंकि वैक्सीनेशन पर तो बहुत ही गलत हो गए थे, 14 वर्ष गलत हो गए थे। माननीय सांसद जी, क्या पहली बार क्या जाति पूछी जा रही है जैसे संजय सिंह ने बताया, या आप मानते हैं कि संजय सिंह आपके दूसरे माननीय सांसद गलत है?